नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज लीडरशिप के बारे में जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं, जिसको भी लीडर बनना है या फिर जो लीडर है वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर तीन सवाल जो मैं अब बताने जा रहा हूं, अगर आप उसका जवाब दे पाते हैं तो आपके फॉलोअर की भीड़ की कोई कमी नहीं होगी। आप चाहते हो जिनको भी कि वो आप लोगों के फॉलोअर बने, तो फिर आपको ये तीन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। आपके फॉलोअरशिप लगातार बढ़ती चले जाएगी, आप पॉपुलर भी होते जाएंगे, आप एज ए लीडर पहचाने जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कोई भी फॉलोअर सोचता है अपने लीडर से, वो ये है, डू यू केयर फॉर मी? क्या, फिर से बोल रहा हूं, डू यू केयर फॉर मी? क्या आप मेरी परवाह करते हैं कि केवल एक भीड़ के अंदर मुझे लेकर जाना चाहते हैं? आपके टारगेट को पूरा करने के लिए आपने मुझे अपने साथ रख लिया, क्या आप मेरी परवाह करते हैं? डू यू केयर मी? अगर आप सामने वाले का केयर करते हैं और उनको यह पता चल जाता है कि आप उनका केयर करते हैं, आप फर्स्ट लेवल क्रॉस कर जाएंगे तीन क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग देखिएगा उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं जो कि उनका केयर करता है, जो उनके परेशानियों को समझता है, जो उनके परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करता है और उनके साथ सहानुभूति रखने के साथ साथ प्रयास करता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली उनके माइंडसेट में बैठ जाता है कि दीपंकर सर मेरा केयर करते हैं, तो डू यू केयर मी? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चलो आप हमारा केयर करते हैं, लेकिन क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? इसका मतलब मैं लाइफ में जिस भी लेवल पे आज हूं उससे आप मुझे ऊपर उठा सकते हैं क्या? क्या आप मेरी कोई परेशानी कम कर सकते हैं? क्या आप मुझे कुछ भी एडिशन कर सकते हैं मेरे लाइफ में? क्या मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं? क्या आप मेरे कोई भी गोल को पूरा कर सकते हैं? हो सकता है कि मेरे तीन चार गोल होंगे, उसमें एक गोल भी अगर आप पूरा कर देते हैं तो ये मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। ऐसा हर कोई फॉलोअर सोचेगा। तो लीडर्स को क्या चाहिए कि आप न सिर्फ उनकी केयर करें बल्कि उनके लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके किसी भी गोल को पूरा करने के लिए, उसे उनकी कोई भी परेशानी को सॉल्व करने के लिए एक्ट भी करिए, बोलिए भी, और सामने वाले को प्रूफ भी हो जाएगा कि ये न सिर्फ बोलते हैं, ये हमारी केयर भी करते हैं, ये हमारी हेल्प भी करते हैं या कर सकते हैं। कोई तुरंत हेल्प कर देगा ऐसा नहीं है, लेकिन सामने वाले के अंदर कैपेसिटी होना चाहिए, वो बोलना भी चाहिए, उसके बाद जाकर सामने वाला आपसे कनेक्ट होता है। तो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरे गोल्स अचीव करवा सकते हो? अगर आप इसका सॉल्यूशन देते हो, हाँ भाई हम आपके गोल्स अचीव कराने के लिए ही बैठे हैं, तो फिर आप लीडरशिप का सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप दे दे रहे हो। लेकिन तीसरा, ये जो पहले के दोनों क्वेश्चन है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन आई ट्रस्ट यू? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग अपने साथ भीड़ हमेशा सामने वाले के काम के लिए नहीं लाते, कई बार पर्सनल बेनिफिट के लिए भी लोगों की भीड़ को लेकर आते हैं और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोगों को यूज कर लेते हैं, तो क्या आप मुझे यूज कर लेंगे? तो लीडर को हमेशा ये बताना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या, हम क्या अचीव करना चाहते हैं और हम सब मिलकर अचीव करना चाहते हैं, और वो जो गोल अचीव होगा वो सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, किसी एक के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, मतलब केवल लीडर्स के लिए बेनिफिट नहीं होगा, वो सारे जितने फॉलोअर्स और लीडर्स सब मिलकर उस चीज का बेनिफिट ले पाएंगे। इसका मतलब ये किसी सिंगल मैन का दौड़ नहीं है, पूरे टीम का दौड़ है और मिलकर हम जीतने वाले हैं। यहां पर टीम जीतती है, कोई अकेला व्यक्ति नहीं जीतता। तो जब पूरी टीम, पूरे फॉलोअर्स को ये पता चल जाता है कि नहीं भाई, ये हम सबके ज्वाइंट गोल को पूरा करने के लिए ये हमारे साथ आए हैं और ये हमारी मदद कर रहे हैं, तो हमको भी इनको पावर देना पड़ेगा ताकि ये हमारे गोल्स को, हमारे टारगेट को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा पाएं और सब मिलकर सफलता की ओर चले जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको सफल होना है, आपको सफल लीडर बनना है और अपने साथ फॉलोअर चाहिए, आपको गुडविल चाहिए, आपको चाहिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करें, किसी पोजीशन को लीड करें, किसी जॉब को लीड करें, किसी भी जिम्मेदारी को लीड करें, तो वो तीन सवाल जो मैंने आपको बताया, डू यू केयर फॉर मी, कैन यू हेल्प मी और कैन आई ट्रस्ट यू, ये तीन सवाल का जवाब दीजिए, आप लीडर बनने की ओर अग्रसर हैं। मैं आगे और इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता जाऊंगा, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।